हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. तो आप सभी लेडीज़ कैसी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो आज के इस वीडियो में मैं पीरियड्स एंड सैनिटरी पैड्स के बारे में जो है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मेरा जो खुद का पीरियड्स रूटीन जो है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और ये जो रूटीन है मैं मतलब हमेशा मेरे पीरियड्स के टाइम जो है वो हमेशा फॉलो करती रहती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे वीडियो देखती है, टीन एज की लड़कियाँ भी देखती है, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो ये जो वीडियो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो जैसे कि आप सभी को पता है लड़कियों में जो है 8 साल की उम्र से लेकर 13 इयर्स की एज में जो है बॉडी में बहुत से सारे चेंजेस जो है वो आते रहते हैं. और उसी टाइम जो है लड़कियों में ब्रेस्ट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, अंडर आर्म्स में जो है हेयर आना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ उसी टाइम जो है वो पीरियड्स आना भी स्टार्ट हो जाता है. और ये जो मैं रूटीन फॉलो करती हूँ ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. बेडशीट पे जो है वो स्टेन लगता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ एक एक्स्ट्रा क्लोथ जो है बेडशीट के ऊपर रख देती हूँ, ताकि क्या हो जाता है ना जो स्टेन लगने वाला होता है तो वो उस क्लोथ पे लग जाता है, ना कि आपके बेडशीट के, यानी कि आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हो जाती है पीरियड्स के टाइम. इस टाइम में जो है हेल्दी फूड खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट, जितने भी सारे अंजीर है या अदरवाइज फ्रूट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा. इसकी वजह से आपको क्या मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. और इस टाइम मैं आपको बता दूँ बाहर का जो खाना होता है वो ज़रूर अवॉइड कीजिएगा, घर का जितना हो सकता है उतना आप हेल्दी फूड जो है वो खाना चाहिए. तो जैसे कि आप सभी को पता है मार्केट में बहुत से सारे सैनिटरी पैड्स है और कुछ ऐसे पैड्स जिनको मैं यूज़ करती थी ना उसकी वजह से मुझे रैशेस की जो प्रॉब्लम है वो आ रही थी. तो मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया कि कौन से अच्छे ऐसे पैड्स हैं, क्योंकि मुझे रैशेस की जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी कुछ सैनिटरी पैड्स यूज़ करने की वजह से. तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे मैंने जिन्होंने कारमेसी सैनिटरी पैड्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई, तो मैंने सोचा चलो ये जो पैड्स है यूज़ करके देखते हैं. और मैं ऑनेस्टली बता दूँ जो भी कुछ एक्सपीरियंस है वो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो मेरी जो रैशेज की जो प्रॉब्लम है वो कारमेसी सैनिटरी पैड्स की वजह से पूरी की पूरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कारमेसी ब्रांड्स के बारे में कि ये क्या है एग्जैक्टली. कारमेसी ब्रांड जो है लेडीज़ के लिए स्पेशली पीरियड्स एंड इंटीमेट केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इसमें मेंस्ट्रुअल कप है, टैम्पॉन्स है, सैनिटरी पैड्स है, पैंटी लाइनर्स है. पैड्स में इनके दो टाइप्स है, सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स एंड इको कॉन्शियस पैड्स. ये दोनों पैड्स स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए बनाए हैं, ये देखिए बॉक्स पे भी लिखा है एंड रैशफ्री भी है. और ये जो सेंसिटिव पैड्स है ना ये टेस्टेड है एंड सर्टिफाइड है एज अ 100% रैशफ्री पैड बाय गायनेकोलॉजिस्ट. और ये सेंसिटिव पैड यूज़ करने से आपको रैश की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल भी नहीं होती. और इसका रीज़न भी आपको बता देती हूँ. इसका मेन रीज़न है इसका टॉप शीट जो कॉर्न फाइबर से बना है, जो एंटीबैक्टीरियल होता है, थ्रू रैशेज भी नहीं होते एंड नेचुरल सॉल्ट भी होता है. इसका जो ये देखिए बैकशीट है वो ब्रेथेबल मटेरियल से बना है, सो एयर फ्लो अच्छे से होता है एंड हमारे इंटीमेट एरिया में स्वेट नहीं होता और हमें रैशेस नहीं आते. और आजकल इतनी गर्मियाँ चल रही है और ऊपर से पीरियड्स, इरिटेशन, रैश अगर हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. तो ये जो पैड्स है आपको रैश फ्री बना देते हैं आपके पीरियड्स के टाइम. और मेन चीज़ है ना ये जो पैड्स है थीन होते हैं, इसकी वजह से आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई पैड जो है वेयर किया है. कि विंग जो है वो वाइड होते हैं तो स्टेन की और लीकेज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है. और ये कैरमेसी सेंसिटिव पैड्स में जो है आपको एल, एक्सएल एंड 2XL साइजेस में जो है वो अवेलेबल हो जाता है. यानी कि मैं आपको बता दूँ एल यानी कि मीडियम फ्लो के लिए है, एक्सएल हैवी फ्लो के लिए और 2XL जो एक्स्ट्रा हैवी फ्लो के लिए है. तो आप अपने हिसाब से जैसे कि आपको ब्लड का जैसा फ्लो हो जाता है उस हिसाब से जो है आप ये पैड जो है वो चूज़ कर सकते हैं. तो आप इस साइज चार्ट के हिसाब से जो है आपको जो पैड्स लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं. और पीरियड्स के टाइम हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इन्होंने जो है इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल बैग के साथ आते हैं, ताकि आप कहीं यहाँ वहाँ पे फेंकना दो और इसी बैग में फेंक के आप इसको डस्टबिन में जो है वो डाल सकते हो. और आजकल हमारे आजू बाजू में जो भी कुछ चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमारी पृथ्वी का ध्यान में रखते हुए इन्होंने दूसरा पैड भी लॉन्च किया है, तो ये है कैरमेसी इको कॉन्शियस सैनिटरी पैड.
ये पैड ज़्यादा इको फ्रेंडली है क्योंकि इसका टॉप एंड बैक शीट कॉर्न फाइबर से बना है। ये देखिए इसका रैपर भी कॉर्न फाइबर का है। इसका डिस्पोजल बैग भी क्राफ्ट पेपर से बना है विच इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल। सो इस पैड में जो है मोस्टली सभी चीज़ें जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, तो ये जल्दी से सॉइल भी बन जाती है और इसकी वजह से पीरियड पोल्यूशन भी नहीं होता है। ये भी पैड स्किन है, सॉफ्ट है और रैश फ्री है, एक्स्ट्रा कवरेज देता है, ड्राई एंड कंफर्टेबल है और ये पैड्स FDA रजिस्टर्ड है और मैं इन पैड्स को जो है वो 6 महीने से यूज़ करती हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। और इको कॉन्शियस सैनिटरी पैड्स में भी 3 साइजेस जो है वो अवेलेबल है, L, XL and 2XL। तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि आपका ब्लड का जैसा फ्लो हो जाता है तो उस हिसाब से जो है आप ये सैनिटरी पैड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि बहुत से सारे लेडीज़ को जो है ये सेम एज इट इज़ जो है प्रॉब्लम होती है और ख़ास करके समर के टाइम में तो रैशेज की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरा इंडियन ट्वीन 05 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी अमेजोन की और पर्पल की, वहाँ पर जाके आप ये जो पैड्स है वो परचेस कर सकते हैं। और अगर आप कभी ट्रैवलिंग करते हो तो ये पैड जो है आप अपने बैग्स में, पर्स में जो है वो रख सकते हो। और ये देखिए बहुत ही छोटू सा है, इसमें ना आपको एक डिस्पोजेबल बैग भी मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है कि हम इसको कहाँ पे फेंकें। इसको यूज़ करने के बाद आप इसमें जो है वो फेंक दे सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, बहुत से सारी लेडीज़ को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के टाइम जो है वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो ये बहुत ही गलत है। पीरियड्स के टाइम जो है बटरफ्लाई आसन जो है और कोबरा आसन जो है आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है आप सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो वीडियो है आप अपनी मम्मी के साथ, अपनी चाची के साथ या अदरवाइज अगर आपकी कोई टीनेजर बहन है, फ्रेंड है, तो उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ अभी आप सभी को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय एवरीवन।